नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रिंस सैनी। फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं डाबर कंपनी के बहुत ही अच्छे ब्रांड पिल ओचेक टैबलेट्स के बारे में। सो गाइस, ये जानने वाले हैं कि पिल ओचेक मेडिसिन किस कंडीशन में यूज़ की जाती है और इसका मार्केट प्राइस क्या होता है, और दोस्तों इस मेडिसिन में कौन कौन आयुर्वेदिक पदार्थों का मिश्रण किया गया है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। सो गाइस, टाइम वेस्ट न करते हुए जानकारी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जानकारी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही दवाओं संबंधित जानकारियाँ मैं अक्सर लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम डाबर कंपनी के पिल ओचेक टैबलेट्स का कंपोजिशन जानते हैं कि इसमें कौन कौन से आयुर्वेदिक पदार्थों का मिश्रण किया गया है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि इसमें वक्र पाया जाता है, हरितकी पाया जाता है, स्वर्णभद्री पाया जाता है, नीम पाया जाता है, रसंजन पाया जाता है, मिश्री पाई जाती है, तीव्रत पाया जाता है, नककेश पाया जाता है और महानीम का इसमें मिश्रण किया गया है। इस कारण दोस्तों यह प्रोडक्ट बहुत ही यूज़फुल हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में कि इस प्रोडक्ट का यूज़ किन कंडीशन में किया जाता है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि डाबर पिल ओचेक मेडिसिन का यूज़ सबसे ज़्यादा बवासीर और खूनी बवासीर में किया जाता है, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ यह बहुत सारे डिजीज़ में वर्क करता है। जैसे कि किसी सिचुएशन में हमारे एब्डोमेन में गैस बनती है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। अगर हमारे पेट में वार्म इन्फेक्शन है या फिर पेट में कीड़े हो गए हैं तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। और दोस्तों इसके साथ साथ जैसे कि कुछ पेशेंट में हेडेच बना रहता है, उनको दांत में दर्द होता है या फिर उनको पेशाब में जलन होती है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। और दोस्तों इसके साथ साथ जैसे कि कुष्ठ रोग के पेशेंट होते हैं और कुछ लोगों को मियादी बुखार यानी टाइफाइड का फीवर आता है तो उस कंडीशन में भी इसके यूज किए जाते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ कुछ लोगों में कैंसर होता है या फिर उनको स्किन डिजीज़ होते हैं तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। और दोस्तों इसके साथ साथ जैसे कि जॉइंटिस के पेशेंट होते हैं जिनमें पीलिया हो जाता है, या फिर कोई लिकोडर्मा के पेशेंट होते हैं, या फिर कुछ शुगर के पेशेंट होते हैं, या फिर कुछ अस्थमा के पेशेंट होते हैं, या फिर कुछ उदर सूल के पेशेंट होते हैं तो उस कंडीशन में भी इसके बहुत अच्छे वर्क होते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा कि इस प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा यूज पाइल्स यानी बवासीर में किया जाता है। इसके साथ साथ पेशेंट को यदि वार्म इन्फेक्शन है, खूनी बवासीर है तो उस कंडीशन में इसके बहुत अच्छे यूज़ होते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा कि इस मेडिसिन को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं वो आपको स्कैन करते हैं, इसके बाद ही वो आपको मेडिसिन लेने की सलाह देते हैं। सो गाइस, अब हम जानते हैं इसके डोज के बारे में कि इसका डोज किस प्रकार से लिया जाता है। दोस्तों इस मेडिसिन के डोज के बारे में बात की जाए तो इसका डोज जो है दो दो गोलियाँ सुबह शाम पानी के साथ लिया जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो यह एक हर्बल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है और इसके साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर होते हैं। लेकिन दोस्तों इस मेडिसिन को लेने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। यदि आपकी उम्र 12 वर्ष से नीचे है तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।